अगर आपके पास कोई पुरानी लैपटॉप हार्ड ड्राइव रखी है तो उसे आप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव किस तरीके से बना सकते हो, इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको जो है वो ये 200 से 300 रुपए में आने वाला जो हार्ड ड्राइव एनक्लोजर वो आपको यहाँ पर बाय करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो USB 2.0 वाली यहाँ पर लो। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे रिमूव कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर अपनी हार्ड ड्राइव है उसको इस तरीके से जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर दिया, सिंपली इस तरीके से आपको यहाँ पर अंदर की तरफ इसे जो है वो पुश कर देना है, और दो आपको जो है यहाँ पर स्क्रूज मिलेंगे उसको आपको यहाँ पर टाइट कर देना। तो फटाफट से मैं यहाँ पर जो है वो टाइट कर देता हूँ, दोनों स्क्रूज मैंने यहाँ पर जो है वो टाइट कर दी है। अब बात करते हैं इसे कनेक्ट करने की, तो यहाँ पर आपको बॉक्स में जो है वो कुछ इस तरीके की USB केबल आपको मिल जाएगी, सिंपली आपको यहाँ पर जो है इसे कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के बाद इसे हम PC में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर PC में जो है वो ये डिटेक्ट कर लिए, देख सकते हो टोटल 465 GB के आसपास यहाँ पर स्टोरेज दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी हार्ड ड्राइव को पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में बदल सकते हो। तो वीडियो चली गई, लाइक करो, शेयर करो।